गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लेसन्स। तो फ्रेंड्स, आज आप ये जो सीडलिंग्स देख रहे हो, ये सारी की सारी जो सीडलिंग्स है वो रेडिश की है, जिसे हम आमतौर पर मूली कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीडलिंग्स है इसे मैंने सीड से तैयार किया है। तो अभी जो है वो मूली की सीडलिंग करने का बहुत अच्छा टाइम है फ्रेंड्स। अक्टूबर से लगा करके नवंबर का जो टाइम होता है उसमें जो रेडिश की सीडलिंग्स है वो की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने बिल्कुल सीड से लगाया है और इसके जो सीड्स है वो भी मैंने घर पर ही तैयार किए थे लास्ट ईयर। तो जो लास्ट ईयर के सीड्स थे उन्हीं से मैंने इसे ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सॉइल की बात करें तो इसे जो भुरभुरी मिट्टी होती है, जिसके जो दाने होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो सॉइल काफ़ी अच्छी रहती है, जिसे हम सैंडी सॉइल भी कहते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर क्लेई सॉइल में आप इसे ग्रो करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सॉइल का जो पीएच होना चाहिए फ्रेंड्स, वो 5.5 से लेकर 6.8 तक होना चाहिए, ये जो कि स्लाइटली एसिटिक होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो। काउडंग कंपोस्ट से जो मूली की जो रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और उसकी जो रूट्स है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। और फ्रेंड्स, ये जो आप कुछ पौध देख रहे हो, ये सारी की सारी जो पौध है वो बैंगन की पौध है, ये भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हो। तो बैंगन की पौध भी इस टाइम पे लगाना काफ़ी अच्छा रहता है फ्रेंड्स। उसके अलावा आप कई सारी और वेजिटेबल्स भी लगा सकते हो, जैसे कोरिएंडर है जिसे हम धनिया कहते हैं, और उसके अलावा आप गाजर की पौध भी इस टाइम पे लगा सकते हो, या फिर जो आप सलजम है उसकी पौध भी इस टाइम पे लगा सकते हो। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मैंने कितनी सारी जो वेजिटेबल्स है उसकी पौध इस वक्त तैयार की है। तो आप भी जो विंटर के वेजिटेबल्स है उसकी पौध इस वक्त तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मूली के सीड्स है उन्हें मैंने किस तरह से कलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, जो मूली के सीड्स है वो इस तरह के है, ये जो सीड पॉट है मैंने लास्ट ईयर कलेक्ट किया था और इन्हीं से जो है मैंने इनको तैयार किया था। तो लास्ट ईयर जो भी मूली, जो छोटी छोटी मूली हमारे यहाँ पर आती है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, तो मैंने उन्हें ग्रो कर दिया था एज इट इज़, जो है वो मिट्टी में डाल दिया था। और उसके बाद जब उसमें सीडलिंग्स तैयार हुई थी तो मैं सीड्स जो तैयार हुए थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए थे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह की जो सीडलिंग्स है उसे मैंने सीडलिंग्स तैयार की है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगर वाटर की बात करूँ तो जो मूली है उसको हमें ज़्यादा पानी की देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मूली है वो ज़मीन में ग्रो करती है और वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है अगर हम उसे ज़्यादा पानी दें, वो सलने गलने लगती है। तो वाटरिंग जो है वो मूली की आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना करें, और जब मूली ऊपर से सूख जाए उसकी जो सॉइल है तभी आप उसे फ्रीक्वेंटली वाटर करें। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जब मैंने इसकी जो इसको तोड़ा है, जो सीड पॉट है, तो उसमें से जो छोटे छोटे सीड्स है वो निकल रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो ब्राउन कलर का सीड है यही जो है वो सीड कहलाता है मूली का। मैं आप लोगों को कुछ और भी तोड़कर दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो मूली की सीडलिंग्स है आप उसे 1 से 2 इंच तक नीचे डाल दीजिएगा और जो सैंडी सॉइल है उसी को रखिएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत फ्रीक्वेंट आपको इसे वाटरिंग नहीं करनी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप काफ़ी बड़ा गमला लीजिएगा, क्योंकि जो मूली है उसकी जो रूट्स होती है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। तो इस वजह से आप लोग काफ़ी बड़ा गमला लीजिए, कम से कम 10 से 12 इंच का जो गमला होता है वो बहुत सही रहता है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि जब मैंने इसके सीड पॉट को तोड़ा तो उसमें से किस तरह जो डार्क ब्राउन कलर के सीड्स हैं वो निकले हैं, और यही जो सीड्स हैं इनसे मूली जो है वो बनके तैयार होती है। और इन्हें मैं बिल्कुल मैंने अपने घर पर तैयार किया है। लास्ट ईयर जो हमारे घर पे मूली आई थी मैंने उसी को बो दिया था, और उस मूली के ऊपर जब पत्ते और बीज तैयार हुए थे तो मैंने उन्हें कलेक्ट करके सुखा दिया था। इस तरह के जो सीड पॉट है ये बिल्कुल मैंने लास्ट ईयर सुखाए थे, और मैंने अपनी एक वीडियो में शायद इनको दिखाया भी था। हालांकि मैंने इसके ऊपर अलग से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने एक किसी और वीडियो में इनको दिखाया था। तो होपफुली आप में से कुछ व्यूअर्स ने उसे देखा हो मे बी। तो ये जो सॉइल आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें मैंने सिर्फ काउडंग कंपोस्ट जो है वो मिक्स की है, क्योंकि वेजिटेबल प्लांट्स के लिए जो काउडंग कंपोस्ट है वो काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गड्ढा खोद करके जो मिट्टी के अंदर मूली के सीड्स है वो मैं लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरह से मूली के सीड्स लगाइए और उनमें थोड़ा थोड़ा गैप रखिएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, मूली जो होती है वो काफ़ी खारी होती है, तो आप लोग इसमें जो बैक्टीरियाज या फिर जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनका जो अटैक करने का रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है। तो इस वजह से आप इसे गाजर के या फिर सलजम के साथ भी ग्रो कर सकते हो, ताकि जो उन प्लांट्स की जो रूट्स है उनमें प्लांट्स पेस्ट का अटैक या फिर किसी बैक्टीरिया का अटैक ना हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में